हे गाइस नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारे ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर, और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में मैं देखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाइबिस्कस के ऊपर। दोस्तों कई बार आपने नोटिस किए होंगे कि जो हमारी हाइब्रिड किस्म की जो हाइबिस्कस होती है, जो बड़े बड़े फूल आते हैं, वो एक साल के बाद छोटे क्यों हो जाते हैं। ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास आते हैं, तो आज इसी वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या इसके रीज़न हो सकते हैं। रीज़न यही है कि जब हम गमले में ये पौधे लगाते हैं, तो उसे हमें एक साल के बाद, दो साल के बाद उसे रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग वो होती है कि जो हम इसकी जो रूट बॉल होती है, उसे हमें निकाल करके उसकी कुछ रूट हमें कटाई करके फिर से नई मिट्टी ऐड करनी चाहिए, और पुरानी स्टेम जो होती है उसे हमें कटाई करनी चाहिए। अगर उसी तरह हम छोड़ देंगे तो देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे फूल होने लगते हैं। पुराने ब्रांच में जो फूल आते हैं वो छोटे होने लगते हैं, तो इसे रिपोर्ट किया जाता है एक साल या फिर डेढ़ साल के बाद। रिपोर्ट करने से क्या होगा कि जो पुरानी रूट होती है गमले के अंदर में, जो रूट बॉन्डिंग होने लगती है, जो बढ़ जाती है, जिसके कारण रूट को, प्लांट को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है। रूट बॉन्डिंग के द्वारा यही दिक्कत हमारे प्लांट को होती है, तो उसे हमें निकाल करके पूरे रूट बॉल को, उसकी कुछ रूट कटाई करनी चाहिए। देन उस पर हमें फिर से मिट्टी में फिर से खाद कंपोस्ट कुछ ऐड करनी चाहिए, और पुरानी ये ब्रांचेस आप देख सकते हैं इसे हमें कट करनी चाहिए। टाइम टू टाइम अगर पुरानी ब्रांच को हम कट करेंगे तो फ्यूचर में नए ब्रांच डेवलप होती है, और उसमें फूल जो लगते हैं वो बहुत बड़े बड़े लगते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए, आप इस पर बने रहें। चलिए मैं इस पौधे को रिपोर्टिंग करता हूँ, आप इसे देखें कि किस तरह से हम रिपोर्टिंग करते हैं। चलिए दोस्तों ये आप देख सकते हैं, चलिए मैं इसे बाहर निकालता हूँ, इसकी रूट बॉल को। ये देख सकते हो दोस्तों, ये गमले में लगी हुई ये हमारे प्लांट लगभग दो साल हो चुकी है, तो कितनी कड़क हो चुकी है इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं। इसकी मिट्टी ऊपर से पहले हमें निकालनी होगी, तब जाके इसकी पूरी रूट बॉल निकलेगी। कई बार इस तरह से हम छोड़ देते हैं दो साल फिर तीन साल, जिससे रूट इसके अंदर में काफ़ी बढ़ जाती है, फैल जाती है, और उस पर रूट जो होती है बॉन्डिंग होती है, मतलब पूरा रूट जो है गमले के नीचे गोल हो जाती है, जिसके कारण रूट को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं और पौधे को वो दे नहीं पाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुकती है, फ्लावरिंग सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो इसकी रूट बॉल अभी आप मैं निकाल रहा हूँ, आप देखें बहुत ही कड़क है ये, आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर आपके प्लांट बन चुके हैं, हो चुके हैं, तो आपको एक साल डेढ़ साल के बाद उसे निकालनी ही चाहिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से रूट इस पर निकली हुई है, देख सकते हैं कितने सारे रूट निकली हुई है। चलिए मैं और दिखाता हूँ, बहुत सारी रूट इस पर बॉन्डिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे रूट नीचे भी है, और अभी मैं इसे बाहर में भी कट करने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितनी सारी रूटिंग है। ध्यान रहे रूट हमें बहुत ध्यान से कट करनी है, और इस समय रिपोर्टिंग करने के बेस्ट सीजन है जुलाई अगस्त में, और नमी काफ़ी अच्छी होती है। बरसात के समय में किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे तो वो पौधे हमारे सक्सेसफुल हो जाते हैं, जल्दी मरते नहीं है, डेड नहीं होते हैं। तो बहुत ही ये एक तरह की हार्डी प्लांट है, अगर सही से केयर किया जाए तो इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और फ्यूचर में ये हमारे साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ मिट्टी में हटा लूँगा, और जो मोटी रूट है ये आप देख सकते हैं टैब रूट जो है उसे मैं कट करने वाला हूँ इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं, आप बने रहें किस तरह से मैं रूट कटाई कर रहा हूँ, आप देखते रहें दोस्तों। और इसकी पुरानी ये आप देख सकते हैं मोटी रूट जो है फेब्रस रूट, मैं बहुत सारे हटाने वाला हूँ, लगभग 60% इसकी रूट मैं हटा देने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं मोटी रूट, इसे भी हम कट कर लेंगे, इस तरह से कट करेंगे, इसे भी कट कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये काम हमें सिर्फ बरसात के सीज़न में ही करनी चाहिए, गर्मी के सीज़न में अगर आप करेंगे तो वो पौधे आपको बचने वाले नहीं है, क्योंकि इतनी सारे गर्म होते हैं तो पौधे स्ट्रेस में वैसे ही रहते हैं, तो वो झेल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बरसात के सीज़न में जो भी प्लांट को रिपोर्टिंग करनी है उसे हमें करनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी रूट हमने कट कर दी है इस तरह से, घबराएं नहीं, ये पौधे फिर से लग जाएंगे। ये आप देख सकते हैं लगभग 70% में इसकी रूट अभी आप देख सकते हैं किस तरह से कट कर दी है पूरी इस तरह से। अब इसमें आप चाहें तो इसमें फंगीसाइड भी आप स्प्रिंकल कर दें, या अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह के एंटी फंगल है। ये ब्रांच मैं भी कट करने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये जो जितने सारे स्टेम है इसकी कटिंग भी मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। इसकी स्टेम अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग से भी आप लगा सकते हैं इस मौसम में। चलिए मैं इसकी, ये आप देख सकते हैं जितने सारे ब्रांच मैं कट कर रहा हूँ, इसके कटिंग को भी हम लगा सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी पौधे नए आप बन जाएंगे, और जिससे के पास हमारे पास एक नया पौधा फिर से बन जाएगा। तो आप इस वीडियो पे बने रहें, मैं इसकी कटिंग स्टेम भी आपको लगाना सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें।
इस तरह की जो ब्रांच अभी मैं देख रहे हैं कि इस तरह से ब्रांच जो मैं कट कर रहा हूँ, सभी स्टिक को, सभी स्टेम को मैं कट करके लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों चाहे तो आप इसी मिट्टी को भी यूज कर सकते हैं, बट इस मिट्टी को यूज करने से पहले हमें सनलाइट लगभग एक दिन दिखानी होगी, जो कि इस पर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया, जो भी जीवाणु होंगे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए। तो सनलाइट हमें लगा लेनी चाहिए एक दिन पूरी तरह से। मैं अभी, हमारी मिट्टी बिल्कुल तैयार है, चलिए मैं आप दिखाता हूँ मैं इस पर कौन से मिट्टी में हमें कौन सी फर्टिलाइज़र, कौन सी खाद हमें ऐड करनी चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये छान करके मिट्टी में रखा हुआ हूँ, जो कि पूरी तरह से ड्राई है, और इसमें किसी तरह के भी हानिकारक जो कीट होते हैं वो मिट्टी के अंदर वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि 2 से 3 दिन मैंने पूरी तरह से ड्राई की है। और इस पर फंगीसाइड का भी हमने मिक्सअप मिलाई है मिट्टी में। चलिए ये आप देख सकते हैं, इस पर हम मिला सकते हैं रेत, ये आप देख सकते हैं बालू, सैंड, बजरी जो हम कहते हैं, लेकिन यूज करने से पहले इसे आप धो ले बढ़िया से, अच्छी तरह से वाश कर ले। इस पर हम कुछ हिस्से इस पर हम मिलाने वाले हैं, लगभग 10% रेत मिलाई है, और ये वर्मी कंपोस्ट, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें पौधे के लिए न्यूट्रिशन पोषक तत्व होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं सभी पोषक तत्व यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये 1 kg की पैकेट है, आपको बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। एक पैकेट 1 kg का 20 रुपये आपको लगेंगे, वो भी आपको गार्डनिंग शॉप से मिल जाएंगे। तो आप इस पर, ये आप देख सकते हैं 20% हमने इसमें ऐड कर दी है। ये हमारे पास नीम खली, जो कि हमारे मिट्टी के अंदर में जो भी कीट जो पनपते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हानिकारक कीट है जो हमारे रूट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये एक तरह के एंटी फंगल है। तो नीम खली हमें हर पौधे की मिट्टी में मिलानी चाहिए। तो ये नीम खली हमने मिला ली है लगभग 100 ग्राम, और ये हमारे पास लीव कंपोस्ट, पत्तों की जो खाद बनती है वो खाद अभी आप देख सकते हैं। तो ये खाद मैंने भी इस पर लगाई है, जिसमें 30% खाद में मैंने 10% लीव्स खाद दी है, और 20% वर्मी कंपोस्ट, दोनों को मिक्सअप करके मैंने डाल दी है, जो कि इस पर अब इस मिट्टी में एक कार्बनिक तत्व की जो होगी वो बढ़त हो जाएगी, और हमारे मिट्टी के अंदर में अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिलेगी, जिसके कारण हमारे पौधे की ग्रोथ और भी फास्ट होगी। चलिए मिट्टी को मिक्सअप कर लिया, और ये गमले आप देख सकते हैं, गमले की ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं होल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, खास करके हिबिस्कस के प्लांट के लिए, जिससे कि रूट में पानी रुकेगे नहीं। और ये आप कोको कोर में दे रहा हूँ, जिससे पानी ड्रेनेज बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें कंकड़ भी आप डाल सकते हैं। चलिए मिट्टी को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आधी मिट्टी में फिल करने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आधी मिट्टी फिल करेंगे, और इस पर सेंटर में अब हम जो हमारे प्लांट है उसे कटिंग में सेट करने वाला हूँ। चलिए ये आप देख सकते हैं, इस तरह से बीच में सेंटर में रख के हमें मिट्टी अच्छी तरह से भरनी है। ये प्रोसेस अब लगभग होने ही चली है दोस्तों। अभी आप इस वीडियो पे बने रहे हैं, इसकी जो स्टेम जो हमने कटिंग की है, ऊपर वाली जो स्टेम थी उसकी कटिंग जो हमने की है, उसे हमें फेंकनी नहीं है, उसकी कटिंग हमें फिर से लगा देंगे, तो वो कटिंग हमारे फिर से लग जाएगी, और हाइब्रिड किस्म के हाइबिस्कस हमारे पास फ्री में बन जाएंगे, जो कि हम गार्डनिंग में जब हम नर्सरी पे जाते हैं तो ये हाइब्रिड किस्म की जो हाइबिस्कस होती है उस प्लांट की एक प्राइस होती है लगभग 70 से 80 रुपये एक पौधे हमें मिलते हैं। तो इस तरह से कटिंग को हम लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और बहुत सारे पौधे हमारे पास बन जाएंगे। आप चाहें तो रख सकते हैं, या फिर आप गिफ्ट किसी को दे सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी दोस्त को आप गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग ही जो खूबसूरती होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसकी पत्तियाँ मैं कुछ रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए अब हम इसमें वाटिंग कर लेंगे। वाटिंग बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। पहले मैं जब मिट्टी को बिल्कुल अच्छी तरह से भींग जाए और ड्रेनेज होल जो होती है उसके नीचे से पानी निकलने लगे, उस तरह से पानी हमें अभी करनी है। अब इसे हमें लगभग शेडी एरिया में रखनी है लगभग 6 से 7 दिन। आप देखेंगे इसमें बहुत जल्दी इसमें नई सूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो शेडी एरिया पर आप रख दें। चलिए इसकी कटिंग में हम देख लेते हैं किस तरह से लगानी। ये आप देख सकते हैं रेत है, जो कि मैंने पूरी अच्छी तरह से धो ली है, सैंड है, बजरी है जिसे कहते हैं, इस तरह से होल कर लेनी है, धो करके इस तरह से होल करके अब इसकी कटिंग हम लगाने वाले हैं। ये कटिंग आप देख सकते हैं, कटिंग लगाने के लिए हमें नोड एरिया पे ध्यान रखनी है। नोड एरिया ये होती है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं जो पत्तियाँ निकलती है उसके नीचे से हमें कट करनी होती है। ये आप लीफ देख सकते हैं,
यहाँ से जो ये आप देख सकते हैं ये पत्तियाँ जो यहाँ निकली है, जस्ट उसके सामने में ही हमें कट लगानी है, वो भी तिरछी कटिंग, किसी भी शार्प कटिंग से कर सकते हैं या कटर या फिर ब्लेड के माध्यम से। ध्यान रहे ब्लेड आप बहुत तेज़ होती है इसलिए ध्यान रखनी है, इस तरह से शार्प कट करनी है तिरछी कटिंग। ये आप देख सकते हैं लीव्स है, पत्तियाँ जो निकलती है उसके नीचे से कट करनी है, इसे हम नोड एरिया कहते हैं। इस नोड एरिया से मैं बहुत जल्दी इस पर रूट डेवलप हो जाती है। रूट डेवलप करने के लिए ये हमारी रूट हार्मोन हमें इस्तेमाल करनी होती है, जो कि ये रूट हार्मोन आपको गार्डनिंग शॉप में मिल जाएंगे बहुत ही कम रेट में, लगभग 30 रुपये में ये पाउडर आपको मिल जाएंगे। ये रूट हार्मोन हमारे स्टेम को, कलम को रूट निकालने में, रूट डेवलप करने में बहुत ही मदद करती है और बहुत जल्दी इसमें रूट निकल आती है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जगह पे आप दालचीनी का पाउडर या फिर एलोवेरा की जेल जो होती है वो भी आप इसकी कटिंग में लगा सकते हैं, वो भी एक तरह के एंटी फंगल है और वो रूट हार्मोन, एक ऑर्गेनिक रूट हार्मोन है जो कि आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी का पाउडर या फिर एलोवेरा की जेल का आप लगा सकते हैं, या फिर ये रूट हार्मोन अगर आपके पास मिल जाए तो बहुत ही परफेक्ट होगी। ये आपको सिंपल बाज़ार में मिल जाएगी जो गार्डनिंग शॉप है या फिर नर्सरी में। इस तरह से डीप कर कर हमें इस तरह से लगा देनी है, हल्के हल्के पुश करनी है, ज़्यादा दबानी नहीं है। अब इस पर हम वाटरिंग कर देंगे और इसे लगभग 10 दिन या 15 दिन हमें शेड एरिया में रखनी है, जहाँ पर ब्राइट लाइट जो होती है, सनलाइट की जो ब्राइट लाइट होती है वहाँ आती हो, थोड़ा हवा आती हो, उस जगह पे हम प्लेस करके रखनी है। इस तरह से वाटरिंग करके आप इसे 6 से 7 दिन या 10 दिन हम शेडी एरिया में आप रखेंगे, देखेंगे बहुत जल्दी इसमें शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप कटिंग करके लगा सकते हैं, अपने पौधे को रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसकी स्टेम को कटिंग करके लगा सकते हैं, जिससे कि आपके पास कई सारे फ्री में पौधे बन जाएंगे। रिपोर्ट करने से हमारे पौधे की हेल्थ भी अच्छी होती है, फ्लावरिंग भी बहुत ही बड़े बड़े आते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी नई टॉपिक के साथ।